कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे उन्मान कहने को सोपा नहीं देखा ही परमान कबीर मेरा मुझ में किस नहीं मेरा मुझ में किस नहीं जो किस है तो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा मैं नहीं प्रभु सब किस तेरा दीजा निर्गुण उगै तरगुण केल कर्तव्य स्वामी मेरा कबीर हासा हीरा छट के कर आन की आस ते नर दो जिक जाएंगे सत पख रुबता गुर पूरे चरनी लाया हर संग सफाई पाया I'm
अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दी अमोलक घड़ियां गुरु पातशाह जी दे गुरु शहनशाह जी दे पवित्र चरण कमलां विच लगा के सदलियां करन दी खेचला जन कृपालता कर सत संगत जी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने
अपने पिता गुरु रामदास जी की सेवा करके सब तो बड़ा कम जो किया गुरबाणी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का जहाज त्याग किया गुरु की संगत वक् वक् संत भक्तों की बाणी जिते हजूर ने गुरु किसन गुरु नानक जी तो लैके चौथे पातशाह तक जो बाणी सी सात संगत जी सतगुरु गुरु अमरदास महाराज के वड्डे साहबजादे बाबा मोहन जी जो गोइंदवाल साहब की पावन पुत्र धरती ते निवास रखते सन गुरु की संगत आप नंगे पैरी चल के जो बाणी सेंचियां दे रूप च सी पोथियां दे रूप च सी पंज सिखां नूं ला लै के गुरु की संगत हरिमंदर साहब तो गोइंदवाल साहब की पावन पुत्र धरती ते चल के नंगे पैरी गए। गुरु साहब गुरबाणी का किन्ना सत्कार करते सन जिन पर बाणी अदबना धारा साहब गुरु गोबिंद समर फरमाते हैं सो सिख जानो नहीं हमारा वो सिख मेरा सिख नहीं। शासन इतिहास दसदा समा थोड़ा है गल बहुती कहनी जिस दिन श्री हरिमंदर साहब साहब श्री गुरु ग्रंथ समर के प्रकाश हो गए उस दिन तो पंजवें पातशाह साहब श्री गुरु ग्रंथ समर की हजूरी गद्दी ला के नहीं बैठे खालसा प्रतख नूं प्रमाण की लोड़ नहीं है। गुरुद्वारा कोठा साहब अज भी जिहड़ियां संगतां ने दर्शन किए ने रात नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे सुखासन की जो सेवा की जाती है गुरु की संगत कोठा साहब गुरु घर विच गुरु ग्रंथ साहिब पलका साहब दे और अज भी उस पलका साहब दे थले गुरु की संगत नीचे भुजे कह लो धरती ते कह लो इक चादर की विछाई की जाती है वो चादर इस गल का प्रतीक आ इस गल की निशानी आ कि पंजवें पातशाह गुरु किसन गुरु ग्रंथ साहिब दे सुखासन पलका साहिब ते गुरु साहिब राम करदे सी विश्राम करवाए जाते सन गुरु ग्रंथ साहिब जी और पंजवें पातशाह भुजे जमीन ते राम करदे सी खालसा जी। अज देखो साडी सिखां दी कितनी मत मारी गई एक पासे गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश ते दूजे पासे लंगरां दी कुर्सियां लगियां मेरे खालसा जी। जे आपां गुरु की संगत विचार करके देखिए गुरु की संगत तुसीं भागां वाले भाग गुरु की संगत है ये संगत है संगत और संगत रब कित्थे होया कह दो भाई विच संगत हर प्रभ बसे जीओ एवें नहीं गुरु की संगत सतगुरु पातशाह जी बाणी दे विच संगत नूं इन्ना वड्डा माण बख्शिया एड़ी संगत आ ना संगत संगत दा दर्शन रब दा दर्शन गुरु की संगत इसे सत संगतां बड़ियां सिनेमे भरे पैन कह दो संगतां ने संगतां बीबियां कीर्तन कर रही सन बीबियां तो और भी बड़िया हो गई कह दो भाई बीबियां डांस भी कर दियां होणगियां कह दो भाई उन्होंने नहीं किया भलो भलोरे कीर्तनियां माफ करना गुरु की संगत वह किन्हां नूं किया जिहड़ा गुरबाणी पढ़ता जिहड़ा गुरबाणी गाउंदा सत्संग जिहड़ा गुरबाणी पढ़न वाले दा सत्कार है ना अजो कहिंदा आए मेरे गुरसिख आए मेरे तू मेरे गुर के प्यारे सस तू मेरे गुर के प्यारे गुरबाणी प्यार वंडदी अज प्यार की कमी आ गई सच में गुरबाणी प्यार वंडदी गुरसिखां की हर झूठते हम पापी भी गत हम पापी भी गत पाए गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा गुरु किसन गुरबाणी का प्यार बनती प्यार प्यार सस अज असं कि दूर होंगे जा रहे हैं सत्संग जी जरा बाणी पढ़ता जरा सिमरन करता जरा कीर्तन करता तुहाडा की गल है कि ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਰਹਿਣੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਪੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਡੱਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸੌ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੌਣ ਸੁਣਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੌਣ ਸੁਣਾਊ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿ ਸੋਏ
सब किसों की बात याद कर कौ नानक क्या दीजन जेड़ा मेनू तेरी गल सुनावे मैं उन दिमाग ते दिमाग की उन मैं की देवा ओद मैं की देवा केड़ी चीज ना केड़ी वस्तु ना सत्कार करा हजूर प्रमोद ने शीस बटे कर बैसन दीजे बिद सिद सेव क्रीज सिर बट के ना उन बैठन वास्ते दे दिया की सास की फिर बिना सिर तू को दी सेवा करन पकवड़े से तो मनना असी मनना सब तू पहला अरे दबाव नहीं सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब मथे लगता ग्रंथी से गलत दसो खालसा जी तो धर्म की जबान बीबिया शब्द सुना के कई ने मैं तो चार चढ़ जाता नहीं तो आम स्टेजा तो की होंगे मैं तो टाइम पिछले मिले कि जे हो कि गल टाइम की नहीं गल तो टाइम गुरु के चरणों में लाने की है गल तो समा गुरु के चरणों में लाने की है जिन्हें सुन मैं वह कह दो खालसा जी पर ध्यान देना पवेगा गुरु की संगत सारी घड़ी सुलखनी अभी कोई अभी को गुरु की संगत किसी को सुनाने वास्ते कीर्तन थोड़ा करते हैं कह दो भाई जिस दिन यह गल निकल गई अभी तक कीर्तन इस करके करते हैं बाणी इस करके सुनते हैं कि साडा समा गुरु चरणों के लग जाए लग जाए कुछ असं भगत कबीर जी के चरणों में बेनती करके किसी मौके आ गई श्रद्धालुओं ने बाबा जी जेडे वहरू का नाम जपते हैं वहरू का जस करते हैं जेडे वहरू की गल सुनते हैं कि उन्होंने भला हो जाता होगा कबीर जी लगे कर भला भला कबीर जी लगे कोई गावे को सुने कोई गा के देख ले कोई गा के देख ले गा के देख ले गाया गाया किने किने गाया गावन गोपियां गावन कान गावे सीता राधे नाम गाया राम ने गाया गाया सीता ने गाया गाया कृष्ण ने गाया गोपियां ने गाया 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 गुरु नानक साहब ने गाया भाई मरदाने की रबाब ते गाया पातशाह क्या करते सुन सदा कुछ रहिंदा सी महाराज जी की रबाब उत्ते क्या करते सुन मरदाने जब तू कीर्तन करता साडिया निरंकार में जफियां पै जांदियां मरदानिया जब तू कीर्तन करता साडिया निरंकार में जफियां पै जांदियां ने गाया गाया गुरु नानक ने गाया गुरु किसन पंजवें पातशाह ने गाया तत्तियां तनियां ते बह के गाया तेरा किया मीठा लगे हर नाम पदार्थ हर नाम पदार्थ नानक मांगे गाया 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 नौवे पातशाह ने गाया गाया आह तरन हित साका जिन की आशीष दिया पाल सिर का दिया पका मारे हो कबीर जी लगे कर कोई गा के देख रहे कोई सुन के देख रहे कोई गावा को सुन रहे हर नामा चित लाए गौ कबीर संसार नहीं पर अंत परम गत कहते हैं कि शंके वाली गल कहते जरा गावेगा जरा सुनेगा अंदर परम गति बना प्राप्त होगा गुरुदेव फरमाते कह दो वह एक बार फिर कह दो वह गुरुदेव फिर बख्शित करते हैं कि अमृत बाणी हर हर तेरी बाणी पढ़नी तो बड़ी वीडी करता वह बाणी सुन के मेरा पारा हो जाना कह दो वह अमृत बाणी हर हर तेरी सारे को अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे पढ़ो सुन होवे परम गत मेरी ये तो बाणी सुन के ही बाणी सुन के बेड़ा पार हो जाना खालसा जी तेरा ध्यान देना पवेगा गुरु की संगत दास अज करे जी अमृत वेले गुरु ग्रंथ साहिब मत्थे खालसा जी अजकल तो सत्कार कहना कहना जब गुरु ग्रंथ के मत्थे लगे तो ग्रंथी सिंह गुरु ग्रंथ मत का प्रकाश करे तो ग्रंथी सिंह हुक्मनामा सुनावे अरदास करे ग्रंथी सिंह खालसा जी गुरु साहब के सुखासन की सेवा करे तो ग्रंथी सिंह असी जो निंदा करनी तो सब तो पहला ग्रंथी सिंह ग्रंथी सिंह जी कही जान के जी ये ज्ञानी जी तो भाई जी तो कड़ा खा खा के मोटे हो गए माफ करना भाई भाई शब्द ममूली शब्द नहीं कितने किसी भुलेखे जन्म आ गया भाई कई बार कह देंगे कि तेरी गल मेरे मन में बड़ी भाई भाई का मतलब कि चंगी लगी कई बार कह देंगे तेरी गल मेरे मन में भाई तेरी गल मेरे मन में भाई नहीं तेरी गल भाई गल करते करते किसी मित्र प्यार में कह देंगे तेरी गल मेरे मन में भाई नहीं चंगी नहीं लगी भाई भाई वह सिख में क्या जाता सी जिहड़ा सेवा करके गुरु के मन में भा जाता सी भाई मणि सिंह भाई हाँ जी भाई मणि सिंह भाई तारू सिंह भाई सुखा सिंह भाई मताप सिंह माफ करना भाई सुखा सिंह भाई मताप सिंह भाई जेठा बदे 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 खालसा जी भाई प्राण भाई मंझ प्यारा गुरु नुकर मंझ प्यारा मंझ गुरु का बोहता जगत लंघना
पग वाले आ जमाना बदल गया गुरु की संगत आ जमाना बदल गया आह आ जमाना बदल गया गुरु की संगत ग्रंथी संडे जी कड़ा खा खा के मोटे हो गए ने जी और मक्की के कांडे खा जिन्हें सेवा करनी है यह बड़ी बड़ा बड़ी बड़ी उच्ची पदवी है जो तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का जहाज तैयार किया गया ओह एडे उच्चे ते सुच्चे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जब प्रकाश करने का सवाल आया कि इस सतगुरु पातशाह के प्रकाश इसकी सेवा संभाल कौन सेवा करेगा गुरु की संगत ते नंबर किन्ना दा लग्या बाबा बुढ़ा जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी कदे समा बने ते विचार करांगे गुरु की संगत ग्रंथी सिंह संत बाबा ईशर सिंह राणे वाले और संत बाबा गुरबचन सिंह दमदमी टकसाल के मुखी सारी जिंदगी महापुरखा ने ग्रंथी सिंह तो बिना किसी दूजे के हथों खालसा की सिरोपाओ प्राप्त नहीं महापुर क्या करते सर कि ग्रंथी सिंह गुरु का वजीर है गुरु की संगत माफ करना जिथे राजे का सत्कार करती दुनिया उसे वजीर का भी करती कहते हैं आप ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जो मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ की हजूरी च बैठे रागी सिंह भी शीस झुक जाता खालसा जी झुकता नहीं क्यों खालसा जी झुकता नहीं जरा ध्यान देना पवेगा गुरु की संगत असी तो मनना असी तो कीर्तनिया भी मनना माफ करना सानू कीर्तन कौन सुनावेगा सानू पाणी कौन सुनावेगा असी तो कीर्तनिया मनना रागिया मनना ढाटिया मनना सात संगत जी ढाटिया दारह सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज को चलिया सुन सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज के दरबार का पहला ढाडी अफजल गुफा खालसा की जात का मुसलमान सी इतने गल जात की नहीं और जिन्हें संत भगतों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में दर्ज है संत भगतों दात फर्क सी पर सिद्धांत सारे संत भगतों का गुरु नानक ने मेरा सच्ची गलत नहीं कहते पंजाबी आशा कह जाती है आशा थी जो गुरु नानक ने मिलता से देखो किए बाणी मेल खा रही है एक बार करो कि कृपा कह दो वाहे नहीं तो बड़े बड़े संत भगत आए सन कान वर्गे आए सन पातशाह ने आख्या कानिया तेरी बाणी पौने कानिया तेरी बाणी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दर्ज करने के काबिल नहीं कान आया थी महाराज जिस भी संत भगत की बाणी लिखते सन उस संत भगत जे आप भगत ने जीवन पढ़ के देखिए भगतों का समा भगती काल का समा सी कह दो वाहे एक बार फिर कह दो वाहे जे भगतों का समा पढ़ के वेखीए तो भगतों का समा भगती काल का समा सी जिथे भगती काल का समा खत्म होता है उतो गुरु काल शुरू हो जाता काल कहते हैं समय कह दो वाहे और पायत संत भगत जेडे कि गुरु नानक साहब तो साढ़े सतगुरु पातशाह तो पहला हो चुके सन उस संत भगतों का गुरु नानक साहब का मिलाप होया सी जिवें रविदास जी ने गुरु नानक साहब काशी बनारस की धरती से मिले सन इस तरह गुरु की संगत उस संत भगतों का गुरु पातशाह के नाल मिलाप होया जिहड़े संत भगत पहला हो चुके सन उन्हां संत भगतों की बाणी ते कुछ मौजूदा समय च जिहड़े संत भगत जदों इन्हें पता लगा कि अर्जन देव महाराज गुरु नानक साहब की गुरता गुरगद्दी के पंजवें वारस एक गुरबाणी का जहाज कह तो भाव कि गुरु ग्रंथ साहब की तैयार कर रहे हैं संत भगत गुरु साहब के चरणों में आए सन सिद्धांत देखो गुरु साहब की बाणी है गुरु नानक जी की बाणी है हमनी चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए हम नहीं चंगे कबीर जी की कहते हैं कबीर सब ते हम बुरे कबीर सब ते हम बुरे हम तज पलो सब कोए जिन ऐसा कर बुझिया उम्मीद हमारा सोए बाबा फरीद जी की कहते हैं फरीदा बुरे दा पता कर गुस्सा मन ना खंडाए दही रोग न लगी पले सब की छिपाए जो ते मारन मुकिया तिना न मारी तुम आप नड़े कर
ਆਈ ਹੈ ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੰਬ ਧੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਹਾ ਨਾ ਬੰਦ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਦੇ ਮਾਪੀਆਂ ਬਾਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੈਣੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਨੈਣੀ ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨੈਣੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿੱਤੀ ਜੱਗ ਗਈ। ਬਾਸ਼ਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੇ ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ ਅੰਤਨ ਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈਲੀ ਜੈ। ਇੱਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਪੁਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਪਸਕਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਬਿਹਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜੈ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇੱਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੂਹੇ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਈ ਵੀਰ ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਕਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨ ਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਪਲੀ ਰੀਤ ਕਬੂ ਚੱਲਨ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੂਹੂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜੇ ਸਾਈ ਨਾ ਪੈਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਪੀਤਰ ਸੋਏ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਮਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਯਸੇ ਭਗਤ ਵੀ ਆਏ ਕਾਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਮਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਇਹਨੇ ਕਮਰ ਲਿਖੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਸਿਹਾੜੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁੱਧ ਕਦੇ ਬਣ ਸੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਦਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਕਰੋਗੇ
कहते वाहेगुरु शुद्ध नु शुद्ध की करोगे, शुद्ध नु शुद्ध की करोगे। मां कल कल मेरे गुरु साहब ने आके बाणी सुना, इन्हें कहा महाराज लिखो। पाशाह ने कहा सुना, पहला सुनांगे फिर लिखांगे। कहना लगा कल महाराज लिखो, पाशाह ने सुना कहता ओही रे मैं ओही रे जाको खोजित सुर नर मुन जन भेद न पावत कोई रे। मर लिखो मैं ओही परमेश्वर हां, ओही परमेश्वर हां जिदी खोज करते करते बड़े बड़े ऋषि मुनि चले गए, जिदा अज तक किसी ने भेद नहीं पाया। महाराज ये लिखो ओही रे मैं ओही रे 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 एक दिन सर्दियां पड़दियां
रेतां दे कड़के भर भर के तुहाडे शीश ते पाए जाणगे। गुरु साहब ने आख्या याद रखी कानिया, इह ते सानू पता है साडे इह हो के रहणे, इह ते सानू सब पता कि आउण वाले समें चो है। इह कोई तू नवीं गल नहीं कही, याद रखना कानिया लाहौर तू भी नहीं पहुंच सकता खालसा जी। इहने आख्या महाराज जोगी सी, इहने आख्या महाराज मैनू लाहौर जाण तों कौण रोक सकदा, महाराज मैं अपने स्वास दसम द्वार चढ़ा लूंगा। सतगुरु पातशाह ने आख्या दसम द्वार का मान करदा, तेरा फुटूगा ही पहला दसवां द्वार, तेरा फुटूगा ही दसवां द्वार। खालसा दी रथां ते सवार होके ते कम्म जदों लाहौर नूं तुरपिया, रस्ते च बड़ी हनेरी तूफान आया, इलाका पथरीला सी रथ, इलाका पथरीला सी रथ उलट गया, इहदा सिर फट गया खालसा दी खरबूजे दी तरह दो फाड़ हो गया। बड़े बड़े और भी गुरु की संगत सूबी मत महात्मा आए सन, अयूर इन्हों सारे की हाशम बन के और गुरु किशन शाह सैन वर्ग के इनो भक्त वर्ग के मात्र ने गुरु की संगत और भी भक्त आए सन। पातशाह बाणी सुनी जाते सन, किसे नूं कही जाते सन तुहाडी बाणी विच इसत्री जाति की निंदा है, कि तुहानूं गुरदेव कुछ कह रहे सन कुछ। खालसा दी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का करके जहाज तैयार, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने परम चित परम रोज पढ़ती है ना
गुरु साहब के सरूप की सेवा करने तो बाद गुरु ग्रंथ तो बाद सरूप अलमारियां रखे जाते सब ठीक है ना क्या दे वाहेगुरु और ठीक है ना हाँ जी ठीक है ना गुरु ग्रंथ का सरूप अलमारियां रखे जाते सब बाबा नानक सिंह ने आख्या दियो है गुरु ग्रंथ साहब आम ग्रंथ वर्गा ग्रंथ नहीं यह साडा जागत गुरु है जागत गुरु मैं पुरखा ने आख्या कि जेकर तुहानू कोई रात समय जेकर मारी तो बंद कर दे बारू ला दे कुंडी तो तुहाडी भी हत्त होगी मगर मैं पुरखा ने बाबा नानक सिंह ने आख्या सी गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार करने की जायत सी खालसा जी अभी नानक साहब दमदमी टकसाल वालों ने भी मनना दुख की गल की जब सू गुरु नानक की गल सुना अभी तो भी मन जी कह लो
बाबा बुढ़ा जी ने गुरु ग्रंथ साहिब ते प्रकाश कीता है हुक्मनामा की निकलिया दर्शन देने वास्ते
अज कल देखता कई पुजन लोग लोग संतां दी निंदा क्यों करते हैं। कह दे भाई समा दे रुक गया पर कह दे भाई कहते ना संतान ना मनो ना मनो ना मनो जे गुरुद्वारा बनाए तो संतान संतान ने किसी धर्म को खत्म करना बड़ा सौखा तरीका है। कह दे भाई जे गुरुद्वारा बनाए तो संतान ने पढ़ के वेखो कार सेवा बड़े महापुरखा का जीवन करता जी। जे गुरुद्वारे बनाए तो संतान ने खालसा जी जे कार सेवा वाले महापुरखा होते और जिन्हें खदर दिया कुर्तियां पा के लखा गुरु घर बना लेते हैं। खालसा जी अब पंजाब के दुनिया के गुरु घर का नक्शा कुछ होर हों जे गुरुद्वारे बनाए संतान ने जे सिखी का प्रचार किया तो संतान ने तो कई बार कहता होंगे पढ़ के वेखो महापुरशा का जीवन कदे फिर पता लगता गुरु किशन एक एक दिन च हजारा हजारा बंद अमर की दात दे के महापुरखा ने गुरु ग्रंथ साहिब लड़ लाया जे लंगर चलाए थे महापुरखा ने चमकौर साहब की सभा सरहद साहब की सभा होला महला आनंदपुर साहब तक खालसा जी जे लंगर चलाए थे महापुरखा ने सचखंड गुरु साहब की पान पत्र धरती खालसा जी साडा पंजवां तख्त सचखंड गुरु साहब पूजन योग स्थान है। गुरु प्यारे उत्थे भी जाके जे रात नूं आराम करन वास्ते मंडा बिस्तरा जे प्रशाद छकण वास्ते मिलदा ना ते बाबा नदान सिंह दी मार्ग पर उत्तर मिलदा जाके काम करदे भागा मारियो उस कबीर संगत करिए साहब की। हुण गुरु साहब कहिंदे संतां दी संगत करो अंत करे कृपा साकत संगत कीती है जानते हुए बनाओ खालसा जी जिन्हां भी समा गुरु की संगत आप तो वह संगत करिए बाणी पढ़िए नाम जपिए सेवन करिए पग मारियो जिसके अंतर फसे में कार तिसकी सीर धरे संसार के ने शब्द प्रमाण करो। मेरे को कोई शब्द नहीं तेरे शब्दों के नाल दास खालसा जी कई गल स्टेज से नहीं कहने वाली और कई बार दास कहने तो भी संकोच नहीं करता क्योंकि सच बच्चे संतान नहीं बोल सत्संग जी चोर सच बोलने कई कई किस्म के ख्याल करते हैं फलाने संत बारे तो ख्याल है फलाने संत बारे तो ख्याल है और ख्याल भी पूछते रहो जड़िया कमाइया संत कर गए ना जे आप सारे भी मरजिए संतान का नाम फिर फिर भी रहूंगा ब्रह्म ज्ञानी संत गुरबचन सिंह ब्रह्म ज्ञानी संत सुंदर सिंह ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा करतार सिंह संत ईश्वर सिंह प्राणे वाले संत अतर से रेरु साहब संत अतर से मस्तु वाला संत बाबा नंद सिंह गुरु के संत बाबा मार नाम सब कुछ वाले किन्ना किन्ना का जिक्र करिए संत बाबा पंजाब सिंह हो माफ कर संत बाबा गुराल सिंह हो कमाइया वाले महापुर एक दो एक चढ़ा बड़ा खालसा जी जिन्हें बाणी अखा खोल के पढ़ी है वो जानते ने खालसा जी शरीर चलिया जाना यह नाश वक्त है इत जो आया तुर जाना पर संत मर के नहीं मरता खालसा जी। कह दे भाई कह दे भाई फैसले दिते ने नाम रहो पढ़ो नाम नाम रहो नाम नाम साधु साधु रहो साधु कहो नहीं किया कहो नहीं किया तो जिते जान की गल की व्डिया व्डिया का जिक्र करता नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद कहो नानक ये जगत में किन जो गुरु मंत्र ओनिया भुटा की माफी तेने शब्द प्रवान करो दम की टकसाल के मुखी ब्रह्म ग्ञानी संत बाबा ठाकर सिंह जी जो इतने पुजे ने दास में जो पता लग बड़ी खुशी हुई संता तो इतने बाकी है परसों नगर कीर्तन है खालसा जी मैंने बचन याद आया एक बार फिर कहते संत महाराज संत बाबा ईश्वर सराड़े वाले जब उन्होंने अंतम समा है ना महापुरखा ने दो बचन किए दो बचन आख्या गुरु नानक दी संगत दो कम ना छक्यो जे तुहाडा भला हो जाऊगा दो कम ना छक्यो तो केड़े कम से आह महापुरख लगे कह एक अमृत नेरा ना छड़ियो
अमृत वेले का नितनेम ना छड्डियो, दूजे नंबर ते संतां दी संगत ना छड्डियो, ते धर्म दी किरत करके दसवंध देना एक गुरु घर ना छड्डियो, तुहाडा दुनिया ते अमरा सपना होऊगा। भागा वालियो, ये महापुरख ने जिहड़े सानू गुरु नाल जोड़दे ने, कई कहिंदे ने कि संत अपने नाल जोड़दे ने, कितने नाल जुड़ चुके साडियां लत्तां नाल जुड़ चुके गल मैं तुसीं बोलदे क्यों नहीं साडे हत्थां नाल जुड़ चुके कितने नाल जुड़ोगे ये तो ना संवंत है जे जुड़ने तक किसी महापुरख के बदलों नाल जुड़ जाओ बदल की ने महात्मा के बदल की ने साधु के बदल की ने की साधु अपने प्यो की गल करता है किसी अपने रिश्तेदार की गल करता की साधु किसी साख संबंधी की गल करता ਉਹ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਮ ਅੰਤ ਮੇ ਅੰਤ ਵਿਖਰ ਵਿਖਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰ ਚਾਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਟੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਹੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਗ ਮੰਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚਾ ਪੰਤੋ ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਦੀ ਨੂੰ ਭਗਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬੜਾ ਮੀਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੱਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਭਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਭਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਭਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ दर्शन करांगे परसों नगर कीर्तन च संत हम आख्या एक दास सारी संगत नूं बेनती करदा है गुरु घर बहुत सोहना बणिया संगत ने बड़ी मेहनत कीती है बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਜੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਭਾਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੇਅਰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਟ ਦਾ ਮਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਦਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਮ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕੱਲ ਦਾ ਪਾਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਧਕ ਸੰਗਮੁਖ ਗੁੱਜਰ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮੁਖ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸਿਵ ਕੇ ਜਨ ਮੰਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ
वो बुलाए ज्यादा सन, कोई समा भी जिट सी, कोई ऐसी गल नहीं, आप समा गुरु चरण ना लाना है, और भी बुलाए आ जाओ, कोई गल टाइम की कड़ी गल है, पर जो मजा सुन विच है वो मजा कहन विच कहन विच नहीं है। जे गुरु की किसी कृपा हो जाए जिन्हें भी गुरु घर के कीर्तनी है हरी जस करन वाले कथा वाचक ग्रंथी सिंह राखी ढाडी कवि कमीशन सारे तंता योग ने सारे पूजन योग ने सारे ही जेड़े गुरु की कथ करते हैं वो सारे ही गुरु के प्यारे हैं। हर की कथा कहानियां गुर मीत सुनाइया बने हाँ तो अपने गुर को बन जाइया हम समझा गया देता। गुरमीत सुनाइया जी Thank you.
अरदास होगी मौके की अरदास बड़ा होते जा कर दी सारी सूरत पे लिख के अरदास जुड़ने की कृपा करो।